Thank you.
दीपं संपूज्य नैवेद्यं संपूज्य धूपम् आग्रयामि गन्धे विख्यात सर्वे यातिनः
नमो ब्रह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणे हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गंधद्वारान् प्रधान दिवसां कृष्णीमा ईश्वरीमा सर्वभूतानां कामेश्वरं नमो ब्रह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणे हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मणे नमः पुनः पुण्यसंच आचार्यो भविष्यता ॐ विष्णवे नमः। श्री ब्रह्मणां भूजिष्ये आचार्य सुधा स्वर्गीय शतादीनां ब्राह्मण का भोजन हुआ। श्री ब्रह्मणां भूजिष्ये ओम विष्णवे नमः। आचार्य सुधा चौधरिया स्वर्गीय शतादीनां बृहस्पति तथा ममी केशवन आचार्य योग अवसरता ओम आचार्य योग हरता चूड़ाकरण विधौ पंचभूत संस्कारम कुरिया तो ओम तिष्णव विष्णवे नमः। धनम समर्पयामि नमः। आचार्य सुसाधनम स्थापनम कुरिया तम पुरोदरे अव्यवाहम उपरोदे माम आशादया जय अनुष्ठा बालकम आनीय ओम विष्णवे नमः। ओम अर्धादि घी संपूज्य हे फिर कृष्णानो प्रार्थना कृया आचार्य तथा यथा चतुर्मुखो ब्रह्म सर्वे दहद्रौ तथा तुम्य केशवनाचार्यो हरिद्रोत्तमा तुम्य ब्रह्म भव अहम भवानि आचार्यो तुम्य ब्रह्म भव यथा ज्ञानम कर्माणि जैसा मुझे ज्ञान होगा मैं करूंगा वाला हिसाब ठहरा। दिशा दिशा भेदेशु दिशा बाधन है मतलब कोई खराब ऐसी चीजें न हो। कर्णिका ब्रह्मासनम आत्मासनम यजमान यजमान आसन पटु के आसन में भी डालें। अग्नि के उत्तर तह ओम नमः।
కవితారథేనే భూయాది భువనాని వసనస్వాహ ఓం ఇమం దేవాత్మకం శుభద్రం మహతే చేతాయ మహతే దేశాయ మహతే జాంసే జాయంసే ఇంద్రాయ మమయో మధుమధూ స్వాహ ఓం అగ్నిం దూతం భూగవే అభ్యవాహం పూర్వో దేవామాఘాతయాది హస్వాహ ఓం రుద్రస్వామే ప్రతిజాస్తుమిష్టా పూపే సంవంశజేఠామయం చ ీరవిషయాీతేరీశున స్వాహ ఓం కేతో పుణ్యకేతవే విష్ణు మధ్యాపేషేషమిర్జాయతాత్స్వాహేతుమయాభి పూర్ణ పాత్ర సంకల్పే హరి ఓం విష్ణు 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 నమ బ్రహ్మాత్మనే శ్రీ బ్రహ్మప్రాణశ్రీ శ్రీ గోదావరి భారతఖండే భారతే శ్రీ గోదావరి దక్షిణతీరే భారతఖండే ఆజ్యాపే భారాసరాజ్యా అనాజనపదే ధనాజనపదే కల్పానాక్షేత్రే హేమే ప్రముద్రాధే శుభరానాకే పరిభద్రణే బుద్ధాత్తరే శ్రద్ధానామధ్యే హర్షే స్వామినామ సంవత్సరే శ్రీశునాయమే మాసానామ భగవాం కమస్తే శుభే శుభవక్షే కృష్ణే మహాపరిగవాసయాం యుగవాసయాం క్షిద్ధో గోత్రోత్పన్నీ బాలకేశో బాలకానా నిజేగా కుమారస్య దీర్ఘాయ బాలకార్థే కశ్యవ కశ్యవ గోత్రోత్పన్నీ కుమారస్య దీర్ఘాయ బాలకేశో చూడాకర్ లగ్నాథుకృష్ణానా ఓం విష్ణువే నమః విష్ణువృత్తానాం దుష్టానాం దుష్టగ్రహ సృష్టి నిర్దోషో ప్రసాన్యార్థం పూర్వక శుభానాం సుఫల ప్రాప్తి చ సువర్ణం అగ్నిదేవత్యం
किनारा नहीं लगाना, प्लस जानते रहे।
मैं निकाल निकाल एक बार लाइन मांग लो उसको आइडिया तो आएगा। यार बाबा चोड़ निकाल पड़े आराम से चल चल ठीक है तो अच्छा नहीं लग रहा है लगाओगे ना ब्लेड केवड़ा होना नहीं भाई ना सीधा घूमना पड़ेगा एक ही जगह से नहीं होगा तो वो लगाओ एक ही जगह से होगा नहीं होगा इसके लिए घूमना पड़ता है उधर कौन में रख कैसे पकड़ते चश्मा कैसे रखते टूट गया हल्दी लगा है चलो ठीक है हल्दी लगा दिया ना पानी में डुबाते रहे ब्लीड करने के लिए पकड़ के
ले ऐसे रहेगा जब तक नाई के पास दोबारा नहीं जाएगा।
थोड़ा थोड़ा काट दी है निकाल दे मम्मी Thank you.
श्री गोदावरी आ लखनवी रे भारत खंडिया रे करते महाराज Thank you.
ओम
खानदान को भी उसका असर पड़ता है। आज के जमाने में तो कोई भी नमस्कार करना की कहता है तो सोचना पड़ता है यार किस घर का लड़का होगा, इसके माँ बाप अच्छे होंगे तब तो ये नमस्कार या पहला की कर रहा है क्यों, नहीं तो उदंड वो होते तो हाय हाय वाले ऐसा नहीं होता, उनके माँ बाप तक का समझ आता है दिल्ली की। अरे पंडित जी बता रहे हैं कि क्या करना होगा, क्यों नहीं नहीं होता है, अच्छे संस्कार बच्चे में होते हैं तो अच्छे घर का होता है, तो अच्छे सरकार से संस्कार सीखना है, अच्छी तरह रहना है, उदंतवादी इत्यादि इत्यादि ये सब चीज़ें नहीं करनी है, जो हमारे रीति रिवाज से जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है अच्छा वो हमको करना होगा। आयुष्मान भव स्वामी आशीर्वाद देते हैं, नमस्कार बोले आयुष्मान रहना, दीर्घायु हो, बलवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, ऐसा आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। अच्छा सामवेदा जनाम आयुष्मान भव, और बड़ों को मिले तो प्रणाम करना है, नमस्कार करने से अपने से उम्र के बड़े हुए जो पहचान वाले प्रणाम करें, और बिना पहचान वाले फिर नमस्कार कर दे तो उसको भी अच्छा नहीं लगा, किंतु कभी भी धूर्त हुआ, पागल हुआ, छठ हुआ, उसको नमस्कार नहीं करते हैं, पागल हुआ वो, छठ हुआ, धूर्त हुआ, कुछ भी बोल देगा उसको तो मतलब नहीं, उसको मतलब उसको रेस्पेक्ट नहीं देनी है, क्योंकि वो धूर्त है, पगला है, क्यों उदंडबाज है, मुट्ठी के बल वाला है, शोकत नहीं करनी है, क्योंकि उसका धोखा हमको शोकत नहीं करनी है, पागल हो गया प्रणाम न करे उसको प्रणाम नहीं करनी है, किंतु कभी भी धूर्त को, पागल को, शट को, नास्तिक को, जो धर्म को नहीं मानता है उसे नमस्कार क्या कहोगे, उसके राम राम क्या कहोगे, मानता ही नहीं राम को, तो फिर तो उससे कुछ नहीं कहना है, अच्छे आदमी को हमेशा नमस्कार करनी है, पहला की करनी है, सब चीज़ जो भी हमारा वो है नास्तिक, और कोई दंत धावन कर रहा है उनके हिसाब से आया दलित में है दंत धावन कर रहा तो उसको भी नमस्कार नहीं करते, जब वो उससे फ्री हो जाए उसके बाद नमस्कार, तब तक वो अशुद्ध है मानते हैं नहाते हुए, और पाखंडी को जो धर्म को नहीं मानता है, पाखंडी आदमी है उसको क्या नमस्कार करनी है, पाखंडी को तो कुछ मानता ही नहीं है, धूर्त आदमी है, छठ हुआ, पातकी हुआ, पुरुषुता माताएँ बहनें अशुद्ध रहती हैं उसमें भी उनको नमस्कार नहीं करते हैं, अशुद्ध टाइम खड़ा जब मैं बैठा है आगे कोई भक्त बैठा है पाठ में बैठा भक्ति कर रहा उसको भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो जब मैं पाठ में बैठे आदमी को प्रणाम न करे, शिक्षा होगी शिक्षा, अच्छे कार्य हमेशा करने हैं, क्यों ये शिक्षा मिलती थी केवल इसके टाइम पर हमारे गुरुजन अच्छे काम करो, अच्छी तरह करो, काम करो, करते रहो, मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है, ऐसा जो चौरासी लाख लोगों को भोगने के बाद एक बार हम मनुष्य उसके बाद भी हम गंद बात करते हैं, गंदे कार्य करते हैं तो उसका नहीं कष्ट होता है, नहीं होता बहुत दुख होता है, मनुष्य मनुष्य करके रहने का
आना फिर रिटर्न आना बाकी है, एक बजे रिटर्न आना, 2 बजे तक टाइम है, क्यों 2 बजे तक टाइम है? अच्छा 2:30 बजे का।